गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 ट्वेल्थ की प्यारे, आज हम लोग ग्रामर में सेक्शन ए शुरू करते हैं और आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है। तो प्यारे आपका ग्रामर में जो ग्रामर का सेक्शन चल रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी दो सेक्शन केवल बचे हुए हैं, एक रीडिंग सेक्शन बचा हुआ है, एक राइटिंग सेक्शन बचा हुआ है। तो प्यारे आज रीडिंग सेक्शन आपका शुरू कर देंगे और इसके बारे में प्लान भी बताएंगे कि आपको इस सेक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन बचेगा। राइटिंग सेक्शन में आपके लेटर राइटिंग हो गया और आपके आर्टिकल राइटिंग हो गया, से रीडिंग सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको उसे तुरंत कंप्लीट करा देंगे। तो प्यारे जल्दी से शुरू करते हैं और पहले हम लोग सिलेबस समझ जाते हैं कि रीडिंग सेक्शन में आएगा क्या आपके बोर्ड परीक्षा में। तो प्यारे यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में टोटल मार्क्स कितने होंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और कैसे आएगा, एक अनसीन पैसेज दिया हुआ होगा और उस अनसीन पैसेज में से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन कैसे होंगे, 4 क्वेश्चन आपके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो प्यारची 4 क्वेश्चन 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और सभी 3-3 नंबर के हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन 60 आंसर टाइप क्वेश्चन सभी 3-3 नंबर के, मींस 12 नंबर के आपके ऐसे हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन हो जाएगा 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके वोकैब बेस्ड रहेगा, मींस वोकैब बेस्ड, हमने जो आपका वोकैबुलरी पढ़ाए हुए हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो सारी चीजें हमने बताई हुई हैं, वोकैब बेस्ड आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो 12-3 15 नंबर। तो प्यारची ए आपके 15 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से आपके अनसीन पैसेज मींस रीडिंग सेक्शन में से पूछा जाएगा और बहुत इजी पोर्शन है। हम आपको इस ढंग से बताएंगे, बेहतरीन ढंग से बताएंगे, केवल 5 आपको बताएंगे, 5 अनसीन पैसेज की श्रृंखला लेकर चलेंगे जिसमें आपको बेहतरीन ढंग से समझा देंगे कैसे आपको करने हैं और कैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं। सारी चीजें इस 5 पैसेज में आपको, 5 अनसीन पैसेज की श्रृंखला में आपको समझा देंगे। पूरी गारंटी है अगर आपने 5 अनसीन पैसेज की श्रृंखला को पढ़ लिए हुए हो तो आपका अनसीन पैसेज में से कहीं गलती नहीं होगी, ये पूरा मुझे भरोसा है। तो प्यारची यहां से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पक्का होने वाले हैं। तो 5 अनसीन पैसेज की श्रृंखला लेकर चलेंगे। आज आपका पहला अनसीन पैसेज लेकर चलते हैं, आप पहला अनसीन पैसेज देखते हैं कि आपका क्या है। और इस पहले अनसीन पैसेज पे चलने से पहले आपको बता देते हैं, ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 80 है, मींस 80वीं क्लास है आपकी ग्रामर की। 79 क्लास आपकी ग्रामर की हो चुकी है जिसमें हमने आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंटैक्स कंप्लीट कर चुके हैं, वोकैबुलरी वाला पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। वोकैब पोर्शन में आपका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स फ्रेज हो गया, जितने पोर्शन थे सभी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ आपका ट्रांसलेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रांसलेशन की 2.5 घंटे की क्लास में पूरा ट्रांसलेशन कवर कराए हुए थे, उसके बाद आपका प्रैक्टिस भी करा दी हुए हैं। तो इतनी चीजें अभी तक आपकी हो चुकी हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें, जितनी क्लासें चली हुई हैं, सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो 11th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से कहीं से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं, 15 नंबर पक्का करने वाली पहली अनसीन पैसेज की पहली क्लास, 5 क्लास होने वाली है प्यारे। तो जल्दी से पैसेज शुरू करते हैं। तो प्यारे यहां पर देखिए आपके एग्जाम में दिया हुआ होगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो, मींस जो नीचे पैसेज दिया हुआ है उसे आप पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो देम, और उसमें जो आपका प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए। तो प्यारे इस तरह से उसके बाद नीचे पैसेज इस तरह से दिया हुआ होगा और इस तरह पैसेज देने के बाद, और प्यारे बच्चे पैसेज आपका लंबा होगा, इस चीज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि आपका पैसेज छोटा होगा, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, क्लास 12th में आपका पैसेज लंबा होता है। देखो इतना लंबा आपका पैसेज था, फिर उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। तो जल्दी से हम लोग पहले पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो प्यारे इस पैसेज का हिंदी अर्थ देखते हैं। पहला पैसेज जो हमने लिए हुए हैं, टारगेट किए हुए हैं, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं है। और लंबा पैसेज है, अभी भी कह देते हैं कि लंबा पैसेज है, आपको इस पैसेज का हिंदी अर्थ निकालने में आज आपको आधे घंटे का समय लग जाएगा, इसका हिंदी अर्थ बताने में आधे घंटे का लग जाएगा समय। तो आपको केवल लिखने नहीं है, केवल सुनने हैं, आपको क्लास को केवल सुनने हैं, सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, बस क्लास को ध्यान से सुनते रहिए। तो प्यारे इसमें देखिएगा, आप कहानी निकालने की कोशिश करते रहिएगा कि इसमें कहानी क्या है,
जी जो अर्थ बता रहे हैं उससे कहानी क्या निकल रही है, इस चीज को आप समझते चलिएगा। आपको किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में करने हैं, किस तरह से कहानी निकालने हैं, वो कॉन्सेप्ट बनाते चलिएगा। तो प्यारे जी यहां पर देखिए, इट वॉज विंटर सीजन, यह विंटर का सीजन था, मौसम था। विंटर मीन्स जाड़े का, यह जाड़े का मौसम था। एंड द नाइट वॉज डार्क, और रात्रि कैसी थी, अधेरी रात्रि थी। मीन्स जाड़े का मौसम था, अधेरी रात्रि थी। कॉन्स्टेबल्स एंड गार्ड्स ऑफ साल्ट डिपार्टमेंट वर हैवली ड्रंक। तो भैया कॉन्स्टेबल मीन्स सिपाही, एंड गार्ड्स मीन्स जो पहरेदार होते हैं, गार्ड मीन्स जो पहरेदार होते हैं, सिपाही और पहरेदार ऑफ साल्ट डिपार्टमेंट, साल्ट मीन्स नमक, नमक विभाग के सभी सिपाही और पहरेदार वर हैवली ड्रंक, मीन्स बहुत ज़्यादा पिए हुए थे। मतलब ये साल्ट डिपार्टमेंट के जितने पहरेदार थे और सिपहिया थे, कुल बहुत ज़्यादा ही पिए हुए थे, मतलब कुल पियक्कर थे। आगे देखते हैं आगे कहानी क्या बढ़ती है। मुंशी वंशीधर एक नाम है, Had been here for not more than 6 months. यहाँ पर आए उन्हें 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तो मुंशी वंशीधर had been here, यहाँ आ चुके थे, for not more than 6 months. मीन्स 6 महीने भी नहीं हुए थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए 6 महीने भी नहीं हुए थे। बट इन दिस शॉर्ट पीरियड, लेकिन इस छोटे से समयांतराल में, पीरियड मीन्स समयांतराल में, ही हैड चार्म्ड, उन्होंने मोहित कर लिया हुआ था। चार्म्ड मीन्स होता है मोहित करना, उन्होंने मोहित कर लिया हुआ था हिज सुपीरियर्स, अपने बॉस को, अपने जो बड़े श्रेष्ठ अधिकारी उनसे थे, उनको उन्होंने मोहित कर लिया था विथ हिज एफिशिएंसी, अपनी क्षमता से, एंड गुड कंडक्ट, और अपनी क्षमता से उन्होंने अपने हायर ऑफिसर को, जो सुपीरियर्स थे उनके, उनको उसने आकर्षित कर लिया हुआ था। हिज ऑफिसर्स, उसके जो ऑफिसर्स थे, मीन्स अफसर थे, ट्रस्टेड हिम वेरी मच, उसके ऊपर बहुत भरोसा करते थे। तो जो ऑफिसर थे उसके ऊपर बहुत भरोसा करते थे। द रिवर यमुना मीन्स नदी यमुना, फ्लोड अ माइल अवे, मीन्स 1 मील की दूरी पर बहती थी, इन द ईस्ट ऑफ साल्ट ऑफिस के ईस्ट में 1 मील की दूरी पर यमुना नदी बहती थी। देयर वाज अ बोट ब्रिज, वहाँ एक नाव का ब्रिज था, ओवर इट मीन्स इसके ऊपर, और उस नदी के ऊपर नाव का एक ब्रिज था। ब्रिज मीन्स पुल, जानते हो आप लोग। After closing the door, मीन्स दरवाजे के बंद हो जाने के बाद, the salt inspector, जो नमक का इंस्पेक्टर था, was in sound sleep, वह सो गया। मीन्स दरवाजा बंद करने के बाद जो नमक का जो इंस्पेक्टर था वह सो गया। नमक विभाग का जो इंस्पेक्टर हुआ था वो सो गया। Suddenly मीन्स अचानक, he woke up, वह जागा। When he heard, जब उसने सुना The sound of bullock carts, means बैलगाड़ी की आवाज, bullock cart means बैलगाड़ी, जब उसने बैलगाड़ी की आवाज सुनी तब वह जागा। And noise of boatman, और नाविक, boatman means नाविक, जो नौवा चलाते हैं उसी को boatman बोलेंगे ना, और जब उसने नाविक की आवाज सुनी, instead of means के बजाय, of the sound of flowing river, means बहते हुए पानी की आवाज के बजाय, इसने जब क्या सुना, जब बोटमैन नाविक की आवाज सुना और बैलगाड़ी की आवाज सुना, तो वह क्या हो गया, जाग गया। मींस साल्ट डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर जाग चुका है गाड़ी की आवाज सुन करके। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ। Why do so many vehicles cross the river? Means बहुत सारे वाहन नदी को क्यों पार कर रहे हैं? So late in night means इतनी मध्य रात्रिया में जो है इतने सारे गाड़ी वाले कहीं जो है नदी को पार कर रहे हैं। Surely means निश्चित रूप से। There is something fishy, कुछ ना कुछ यहाँ पर फिसी है। फिसी मीन्स होता है संदेह उत्पन्न करने वाला। मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ तो निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न करने वाला है। लॉजिक, जो इसका यह तर्क था, लॉजिक मीन्स तर्क, कन्फर्म्ड मीन्स
स्थिर हो गया मींस श्योर हो गया, हिज डाउट मींस उसके संदेह को, मींस तर्क ने उसके संदेह को कंफर्म कर दिया, मींस मजबूत बना दिया। ही गॉट इनटू द यूनिफॉर्म, उसने जो यूनिफॉर्म होता है पुलिस का जो यूनिफॉर्म होता है उस यूनिफॉर्म को उसने मींस वर्दी को उसने पहना एंड पुट द रिवॉल्वर इन हिज पॉकेट, और अपने जेब में उसने क्या रखा, रिवॉल्वर रख लिया। अरे रिवॉल्वर वा मतलब हुए जो बंदूकिया, बंदूकिया नहीं छोटकी जो है रिवॉल्वर जैसे तान करके मार देते ना वही रिवॉल्वर वा, तो रिवॉल्वर वा उसने अपनी जेबों में रख लिया। एंड राइडिंग अ हॉर्स विद इन नो टाइम, और जो है घोड़े पे सवार हो गया, विद इन नो टाइम रीच द ब्रिज मींस बहुत थोड़े समय में वह कहां पर पहुंच गया, रीच द ब्रिज मींस ब्रिज पर पुल पर पहुंच गया, और थोड़े समय में वह ब्रिज पर पुल पर पहुंच गया। आगे देखते हैं आगे कहानी क्या है। ही आस्क्ड, उसने पूछा इन अ थ्रेटनिंग वॉइस मींस एकदम धमकी देने वाली आवाज में उसने पूछा, हूज कार्स आर दीज, ये किन की गाड़ी है, उसने धमकी देने वाली आवाज में पूछा, हूज कार्स आर दीज, ये किन की गाड़ी है। तो प्यार जी अभी तक यहां तक आपने निकाला कंक्लूजन कि जो है मुंशी वंशीधर जो है इंस्पेक्टर हैं वो जाकर के पूछते हैं जब कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है तो जाकर के पुल पर पूछते हैं कि कौन गाड़ी वाला है, कौन इतनी गाड़ियों को लेकर जा रहा है, तो सारी चीजें पूछते हैं, यहां तक कहानी ए है। आगे देखो, देयर वॉज साइलेंस फॉर सम टाइम, वहां पर कुछ समय के लिए एकदम शांति छा गई। देयर वॉज विस्परिंग एमंग मेन, और वहां पर लोग फुसफुसाहट करने लगे, मीन्स जो लोग वहां पर थे वे फुसफुसाने लगे, धीमे स्वर में आवाज करने लगे, बात करने लगे। देन दी वन, फिर उसके बाद एक व्यक्ति हु वाज इन फ्रंट, जो सामने था, सेड कहा एलोबडींस, एक इसके वाहन सभी है, सभी बैलगाड़ी किसके हैं, एलोबडींस के हैं। जब उसने जो है देखा और फुसफुसाहट हो रही थी तो उसने कहा एलोबडींस की है, तो हु इज एलोबडीन, ये एलोबडीन कौन है, ये किसने पूछा होगा, मुंशी वंशीधर ने पूछा होगा, हु इज एलोबडीन, एलोबडीन कौन है, फ्रॉम डेटागंज, जवाब मिलता है डेटागंज के एलोबडीन है, एलोबडीन कहाँ के हैं, डेटागंज के हैं। तो प्यारे यहां तक आपकी कहानी हो गई, ये आपका पहला पैराग्राफ था। अब आपका बी वाला पैराग्राफ चलते हैं, मीन सेकेंड पैराग्राफ चलते हैं, देखते हैं दूसरा पैराग्राफ क्या है। और प्यारे ई तक आपका, इसमें एफ तक पैराग्राफ दिए हुए हैं, छह के पैराग्राफ दिए हुए हैं, अभी दूसरा केवल शुरू कर रहे हैं। आपके एग्जाम में इस बात को दिमाग बना लो, एक लंबा पैसेज होगा, छोटा पैसेज नहीं होगा, छोटा पैसेज हाई स्कूल के एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में लंबे पैसेज आने हैं, बस आप पढ़ करके कहानी को कॉन्सेप्ट बना करके दिमाग में सेट कर लेने हैं, आपको आसानी हो जाएगी, एकदम हलुआ हो जाएगा, पूरी गारंटी के साथ कहते हैं। आगे चलते हैं, मुंशी वंशीधर वाज टेकन अबैक, टेकन अबैक मींस होता है भौचक्का हो जाना, मुंशी वंशीधर भौचक्का हो गए। पंडित एलोबडीन वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड ऑफ द रीजन, पंडित एलोबडीन जो थे वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, अत्यधिक प्रभावशाली लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार थे, ऑफ दैट रीजन मीन्स उस क्षेत्र के पंडित जो है एलोबडीन सबसे इन्फ्लुएंशियल मीन्स प्रभावशाली जमींदार थे। ही हैड डीलिंग्स, वे लेन देन करते थे, डीलिंग्स मीन्स लेन देन करना, ही हैड डीलिंग्स, वे लेन देन करते थे, वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज मीन्स लाखों रुपए में वे लेन देन करते थे, मतलब बहुत ही बड़ी तोप थे अपने आप में। देयर वॉज नो बडी, कोई भी नहीं था, रिच आर पुअर मीन्स अमीर या गरीब, हु वॉज नॉट इंडेप्टेड टू हिम, जो उनके कर्ज के तले दबा ना हो, मीन्स कोई भी अमीर गरीब ऐसा नहीं था जो उनके कर्ज के तले दबा ना हो। He had a vast business, उनका एक विशाल बिजनेस था, व्यवसाय था। He was a shrewd man, वह बहुत चतुर आदमी थे, shrewd means होता चतुर या धूर्त आदमी, वह बहुत चतुर और धूर्त आदमी थे। British officers came to his region, British officers उनके क्षेत्र में आते थे, for hunting means शिकार के लिए British officers उनके क्षेत्रों में आते थे, and stayed with him, और उनके साथ ही ठहर जाते थे, means पंडित एलोबडीन के साथ British अधिकारी भी ठहर जाते थे, means समझ लो कितने बड़े ये तोप हैं। He ran a sadavart, वह चलाता था असदावर्त। सदावर्त क्या होता है, फ्री फूड टू दी पुअर मीन्स गरीबों के लिए मुफ्त भोजन जो कराया जाता है उससे बोलते हैं सदावर्त। वह सदावर्त चलाते थे मीन्स जो है गरीबों को मुफ्त भोजन भी खिलाता था, राउंड द ईयर मीन्स पूरे वर्ष वह गरीबों को मुफ्त भोजन भी खिलाता था, मीन्स पंडित था लेकिन बढ़िया वाला पंडित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कहानी क्या है।
मुंशी जी आस्क्ड, मुंशी जी ने पूछा वेयर विल दीज कार्ड्स गो, ये घोड़ा गाड़ियां कहां जा रही हैं, अर्थात ये गाड़ियां कहां जा रही हैं। द आंसर वाज, उत्तर आता है कानपुर, उत्तर क्या आता है कानपुर जा रही हैं। बट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन अगला प्रश्न होता है व्हाट वाज इन देम, इन घोड़ा गाड़ियों में है क्या, व्हाट वाज इन देम, इनमें क्या है। देयर वाज साइलेंस, जब यह पूछा जाता है तो फिर शांति छा जाती है। द इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड फर्दर, इंस्पेक्टर आगे पूछताछ करता है। व्हेन ही डिड नॉट गेट आंसर फॉर अ व्हाइल, जब वह थोड़े समय के लिए कोई उत्तर उसे नहीं मिलता है। रेजिंग हिज वॉइस, अपनी आवाज को उठाते हुए ही आस्क्ड, वह पूछता है हैव यू ऑल बिकम डंब, क्या तुम लोग सभी गूगे हो गए हो, पूछता है कि ससुराल लोग का तुम लोग गूगा हो गया है, हम पूछ रहे हैं कि इसमें क्या रखे हुए हो और कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या तुम लोग गूगा हो गए हो, ऐसा इंस्पेक्टर वह कहता है। I am asking what is loaded in them? मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें लदा क्या हुआ है। वह कहता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें लदा क्या हुआ है। आगे देखो क्या होता है, आगे आपका है When he still did not get the answer, जब अभी भी वह कोई उत्तर नहीं मिला, he took his horse, वह अपने घोड़े को ले गया to a cart means एक गाड़ी के पास, वह एक गाड़ी के पास अपने घोड़े को ले गया and felt it with his hand, और अपनी हाथों से इसे महसूस किया। The doubt was gone means संदेह जा चुका था। It was a pellets of salt, यह pellets थे, pellets means ढेला था, of salt means नमक के ढेले थे, और इस घोड़ा गाड़ी में लदा क्या हुआ था, नमक के ढेले लदे हुए थे। आगे देखो, पंडित एलोडीन हाफ एस्लीप, पंडित एलोडीन आधा सो गया था। वाज कमिंग इन हिज डेकोरेटेड चैरियट, वह अपने सजे हुए, डेकोरेटेड में सजे हुए सुसज्जित चैरियट में रथ पर, वह अपने सजे हुए सुसज्जित रथ पर आ रहा था। सडनली में अचानक मैनी कार्टमैन केम अलाउंड, बहुत सारे गाड़ी वाले, कार्टमैन मीन्स गाड़ी वाले, बहुत सारे गाड़ी वाले केम मीन्स आते हैं, अलाउंड मीन्स भयभीत होकर के, अचानक से बहुत सारे गाड़ी वाले भयभीत होकर के आते हैं। ओक हिम अप, उसे उठाते हैं एंड सेड, और कहते हैं महाराज महाराज द इंस्पेक्टर हैज स्टॉप द कार्स, इंस्पेक्टर ने गाड़ियों को रोक लिया हुआ है एंड हैज कॉल्ड यू ऑन द रिवर बैंक, और आपको नदी के किनारे बुला रहा है। इंस्पेक्टर वा गाड़िया को पकड़ लिया हुआ साहब, और चलो और आपको बुलाया हुआ है, कहाँ बुलाया हुआ, नदी वा के किनारे आपको भी बुलाया हुआ है। जो रथ पे सज धज के रथ पे आ रहा था उसको भी बुला लिया गया, मीन्स मालिक को भी बुला लिया गया। मालिक यहां पर कौन है, पंडित एलोडीन है। अब आगे देखते हैं तीसरे पैराग्राफ में कहानी क्या होती है, आगे बढ़ते हैं। कहानी बहुत मस्त होगी, जो भी आपका दिया हुआ होगा पैसेज उसमें कहानी बहुत बढ़िया देगी अनसीन पैसेज में, तो आप लोग एकदम ध्यान से इसे समझते चले जाना, जोड़ते चले जाना, और कुछ शब्द का अगर अर्थ ना आए तो उसका भी तरीका बताएंगे कैसे आपको करने हैं। तो प्याची तीसरे पैराग्राफ में चलिए, पंडित एलोडीन हैड कंप्लीट फेथ इन लक्ष्मी, पंडित एलोडीन का पूरा भरोसा था इन लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ वेल्थ मीन्स धन की देवी जो लक्ष्मी होती हैं उनमें पंडित एलोडीन का पूरा भरोसा था। ही यूज टू से, वह कहा करता था व्हाट टू से आप दिस वर्ड, इस संसार के बारे में क्या कहा जाए, इवन हैवन इज रूल्ड बाय लक्ष्मी, यहाँ तक स्वर्ग भी लक्ष्मी के द्वारा चलता है, स्वर्ग भी जो है शासन किसके द्वारा किया जाता है, लक्ष्मी के द्वारा किया जाता है। अरे लक्ष्मी मतलब कौन हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, उसका कहना था कि पैसा के द्वारा यहां तक स्वर्ग जो है राज किया जाता है, तो उसका लगता था कि पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं। आगे देखो, दीज वर्ड्स कन्वेड, ये शब्द दिखाते थे, कन्वेड मींस प्रकट करना या फिर दिखाना, ये शब्द दिखाते थे रियलिटी मींस वास्तविकता को दिखाते थे, ये शब्द वास्तविकता को दिखाते थे। जस्टिस एंड पॉलिसी मीन्स न्याय और नीति आर टॉयज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, खिलौने होते हैं मीन्स जो है धन की जो है ये सारी चीज़ें, धन की देवी के ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, खिलौने होते हैं। मीन्स पॉलिसी मीन्स नीति या फिर जस्टिस मीन्स न्याय, जस्टिस न्याय और पॉलिसी नीति ये सब जो है किसके खिलौने होते हैं, जो है देवी लक्ष्मी के खिलौने होते हैं। सी मेक्स हिम डांस, वह उनको नृत्य कराती है ऑन हर विम्स मीन्स अपनी मर्जी से, वह मीन्स लक्ष्मी मतलब धन संपत्ति पैसा लोगों को जो है न्याय और नीति को अपने अनुसार नचाती है।
ही रिमेन्ड रिक्लाइंड, वह हमेशा झुका रहता था, एंड सेड विथ प्राइड, और हमेशा झुका रहता था और पूरे गर्व से कहता था, यू गो अहेड, तुम आगे बढ़ो, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। सेइंग दिस, इसे कह करके, पंडित टुक हिज ओन टाइम, पंडित अपना पूरा समय लेता था, टू प्रिपेयर अ बीटल लीफ मीन्स पान के पत्ते को तैयार करने में, एंड पुट इट इन टू हिज माउथ, और इसे अपने मुंह में ले लेता था। अरे मतलब जो है सुपारी खाता था, सुपारी पानवा वाला सुपड़िया खाता था, मतलब आई एम कमिंग, और उसके बाद कहता सॉरी हाँ इन इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में ले लेता था। देन पुटिंग अ क्विल्ट, फिर इसके बाद एक रजाई रखता था अराउंड ही, मींस अपने चारों तरफ, मींस फिर वह एक रजाई ओढ़ लेता था। फिर उसके बाद क्या करता था, ही वेंट टू द इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद वह इंस्पेक्टर के पास गया, ठीक है यही है ना, हाँ इंस्पेक्टर के पास गया, एंड सेड, और कहा, सर माई ब्लेसिंग्स टू यू, मीन्स सर मेरी दुआएं आपके लिए हैं। फिर उसने क्या कहा, सर मेरी दुआएं आपके लिए हैं, टेल मी, मीन्स बताओ, व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड, हमने कौन सा अपराध कर दिया हुआ है, फॉर विच कार्ड्स हैव बीन स्टॉप्ड, जिसकी वजह से ये गाड़ियां रोक दी गई हैं, हमने कौन सा अपराध कर दिए हुए हैं जिसकी वजह से ये गाड़ियां रोक दी गई हैं, यू शुड बी काइंड टू वी ब्राह्मिन्स, आपको हम ब्राह्मणों पर दया दिखानी चाहिए, कहता है कि आपको हम ब्राह्मणों पर दया दिखानी चाहिए। अब देखो पंडित वंशीधर क्या कहते हैं, वंशीधर सेड सीरियसली, मीन्स गंभीर रूप से, वंशीधर गंभीरता के साथ कहता है, गवर्नमेंट्स आर्डर, यह जो है सरकार का आदेश है, मीन्स यह सरकार का आदेश है। अब देखो आगे क्या कहता है, फिर उसके बाद जो है पंडित एलोबडीन हंसता है, एंड सेड, और कहता है, वी नाइदर नो द गवर्नमेंट, न तो हम कभी सरकार को जानते हैं, नॉर इट्स ऑर्डर, न तो इसके आदेश को जानते हैं, न तो हम कभी सरकार को जानते हैं, न तो हम इसके आदेश को जानते हैं, यू आर आवर गवर्नमेंट, आप ही मेरी सरकार हो, इट इज अ फैमिली मैटर, यह एक परिवार का मामला है, बिटवीन यू एंड मी, मीन्स आपके और मेरे बीच का, यह आपके और मेरे बीच का एक परिवार का मामला है, आई एम नो आउटसाइडर, मैं कोई बाहरी नहीं हूं। देखो कैसा अपने पतिया में फुसला रहा है कि मैं कोई बाहरी नहीं हूं, यू टुक ट्रबल फॉर नथिंग, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट वन मूव्स पास्ट हियर, यह बिल्कुल संभव नहीं है कि यहां से कुछ हो चला जाए, एंड डज नॉट ऑफर गिफ्ट टू द गॉड ऑफ दिस एम्बैंकमेंट, और इस बांध के मालिक को कुछ न दिया जाए, यह असंभव है, अर्थात उसको कह रहा है कि यह बधवा एम्बैंकमेंट मीन्स होता है बांध, बाद में जो नदी का वहाँ पर जो पुल बना हुआ है, वहाँ जो लोग साल डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, तो उस बात को कहा जा रहा है। तो प्यारे मीन्स वह कह रहा है कि असंभव है कि हम यहाँ से गुजर जाएं और आपको कुछ न दें, मीन्स कुछ धन संपत्ति पैसा जो है न दें, ये तो संभव ही नहीं है। आई वॉज कमिंग माई सेल्फ इन योर सर्विस, मैं स्वयं आपकी सेवा में आ रहा था, I was coming, मैं आ रहा था myself means स्वयं, in your service means आपकी सेवा में, मैं स्वयं आपकी सेवा में आ रहा था। आगे देखो अब चौथा पैराग्राफ देखो, छह पैराग्राफ हमने बताई हुई इसमें है, चौथा पैराग्राफ जल्दी से देखो, वंशीधर was not impressed, वंशीधर जो है आकर्षित नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ by this sweet talk, इस मीठे वचन से वंशीधर प्रभावित नहीं हुआ, there was new enthusiasm for honesty, उसके अंदर एक नया जोश उमंग था किसके लिए, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी के लिए, ही सेड इन हिज थंडरस वॉयस, वह अपनी जो है डरावनी आवाज में कहा, आई एम नॉट एमंग दोज अनग्रेटफुल पीपुल, मैं उन लोगों में, उन कृतघ्न, उन एहसान फरामोश लोगों में नहीं हूँ, हु आर रेडी टू सेल दियर ऑनेस्टी, जो अपनी ईमानदारी को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, फॉर अ पीटेंस मीन्स थोड़े से धन के लिए, जो थोड़े से धन के लिए अपनी ईमानदारी को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम गिरफ्तार हो चुके हो, यू विल बी डील्ड, तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाएगा, विथ अकॉर्डिंग टू लॉ मीन्स नियम के अनुसार, तुम्हारे साथ नियम के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, आई हैव नो टाइम टू टॉक फर्दर, अब आपसे मीन्स तुमसे बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कांस्टेबल बदलू सिंह, यू टेक हिम टू लॉकअप,
आप इसे कहां पर लेके चले जाओ, लॉकअप मींस जेल में लेके जाओ, मींस अपनी कांस्टेबल बदलू सिंह को, कांस्टेबल का नाम क्या है बदलू सिंह, तो अब बदलू सिंह को कहता है कि भैया इसको कहां लेके जाओ, जेल में ले जाओ, दिस इज माय ऑर्डर, यह मेरा आदेश है। तो अपनी कांस्टेबल को कहता है कि इसे जेल में ले जाओ, यह मेरा आदेश है। पंडित एलोबडीन वाज शॉक्ड, पंडित एलोबडीन क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, मींस स्तब्ध हो जाते हैं, मींस आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मींस अचंभित हो जाते हैं। देयर वाज अ टर्बुलेंस, मींस अशांति थी, टर्बुलेंस मींस अशांति, अशांति थी एमंग कार्टमैन, मींस गाड़ी वालों में पूरी तरह से अशांति थी, मींस सभी उग्रता में थे। दिस वाज परहैप्स फर्स्ट टाइम, यह शायद पहली बार था इन पंडित जी लाइफ, पंडित जी के जीवन में, दैट ही जो ही वाज सब्जेक्टेड टू सच र्यूड टॉक, वह ऐसे जो है असभ्य, मींस काफी तगड़े जो है वार्तालाप में फंसे हुए हों, यह पंडित जी के साथ पहली बार ऐसे हुआ था। बदलू सिंह मूव्ड फॉरवर्ड, बदलू सिंह आगे बढ़ता है, बट सीइंग हिज ग्रैंडअर, लेकिन उनके शान शौकत वैभव को देख करके, ग्रैंडअर मींस शान शौकत वैभव, शान शौकत वैभव को देख करके, ही कुड नॉट डेयर टू कैच हिज हैंड, वह उसके हाथ को पकड़ने की साहस नहीं कर सका, किसके जो है वैभव शान को देख करके, उस पंडित जी के, पंडित जी एलोबडीन को देख करके, उनके पंडित जी पंडित जी एलोबडीन के वैभव शान को देख करके, उसको उनके हाथ को पकड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई। पंडित जी हैड नेवर सीन, पंडित जी ने कभी नहीं देखा था, ठीक है, पंडित जी ने कभी नहीं देखा था, या फिर सिंस आप ड्यूटी सोइंग दिस सच डिसरिस्पेक्ट टू मनी, मीन्स उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था कोई पैसे के प्रति इतना डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा हो, मीन्स असम्मान दिखा रहा हो। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द इंस्पेक्टर वाज एन इंसॉलेंट लैड मींस होता है लड़का या व्यक्ति, उन्होंने सोचा कि यह इंस्पेक्टर, यह दरोगा कैसा है, एक अखड़ लड़का है, अखड़ जो है व्यक्ति है। ही वॉज नॉट कॉट इन दी वेव ऑफ वर्डलीनेस, यह संसार के जाल में नहीं फंसेगा। ही सेड विथ एब्जेस्ट ह्यूमिलिटी, वह बड़े दयनीय, एब्जेक्ट मींस होता है दयनीय, ह्यूमिलिटी मींस होता है नम्रता, बड़ी दयनीय नम्रता के साथ बोले बाबू साहब डू नॉट डू दैट, ऐसा मत करो, आई विल बी फिनिश्ड, मैं समाप्त हो जाऊंगा, माई ऑनर विल बी रूटेड, मेरा सम्मान भी पूरी तरह से चला जाएगा, अगर ऐसा हुआ, मैं गिरफ्तार हुआ तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरा सम्मान भी पूरी तरह से चला जाएगा। What will you get? तुम क्या पाओ जाओगे? By humiliating me, मुझे परेशान करके आपको क्या मिल जाएगा? I am no outsider to you, मैं आपके लिए कोई बाहरी नहीं हूं। वह कहता है कि मैं आपके लिए कोई बाहरी नहीं हूं, तो इसलिए जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने आप में समझौता कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं प्याची, ये आपका अगला पैराग्राफ है। वंशीधर यूज्ड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, वंशीधर कुछ तगड़े शब्दों का प्रयोग करता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू हियर सच टॉक्स, वह कहता है मैं ऐसी चीजों को सुनना नहीं चाहता हूं। द ग्राउंड दैट एलोबडीन थॉट, जो एलोबडीन ने सोचा, टू बी रॉक लाइक स्लीप अंडर नीथ हिम, उसके ऐसे उसने सोचा कि उसके पैरों के नीचे से चट्टान क्या हो चुकी है, स्लीप हो चुकी है, मींस जो है खिसक गई है, उसने सोचा कि उसके पैरों तले चट्टान खिसक गई है। हिज इज ईगो, उसका स्वाभिमान, हिज रेपुटेशन, उसका सम्मान, गॉट बैडली हर्ट, बुरी तरह से घायल हो गया, उसका सम्मान और उसका जो है उसका ईगो, अहम जो है घमंड, बुरी तरह से घायल हो गया। बट ही स्टील हैड कॉन्फिडेंस, लेकिन उसे अभी भी भरोसा था इन दी पावर ऑफ मनी, मीन्स जो है पैसे की शक्ति में उसे अभी भी भरोसा था। ही टोल्ड हिज मैनेजर, उसने अपने मैनेजर से बोला, लाला जी गिव करेंसी नोट्स वर्थ 1000 रुपीज, लाला जी हजार रुपये की जो है करेंसी नोट जो है दिया जाए टू बाबू साहब, इस बाबू साहब को, मीन्स इस दरोगा जी को हजार रुपये की नोट करेंसी दिया जाए। He is like a hungry lion, ये एक भूखे शेर के समान है, at the moment means इस क्षण एक भूखे शेर के समान है। तो प्यारे यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे प्यारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे, और बार बार कहते हैं क्लास 12th के हर उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करना चाहिए, करना होगा आपको, मीन्स आपको करना है, जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं,
जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है आपको उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना है प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आपका क्या है। वंशीधर सेड एंग्रीली, वंशीधर क्रोधित होकर के कहता है, नॉट इवन अ लैक ऑफ रूपीज कैन डेविएट मी फ्रॉम दी ट्रू पाथ। कहता है नॉट इवन लैक ऑफ रूपीज मीन्स लाखों रुपए भी नहीं कैन डेविएट मीन्स पथभ्रष्ट कर सकता है मी मीन्स मुझे फ्रॉम द ट्रू पाथ मीन्स सच्चे मार्ग से, सच्चे मार्ग से मुझे लाखों रुपए भी पथभ्रष्ट नहीं कर सकता है। ए वंशीधर ने कहा, जो उसको पैसे की लालच दिया जा रहा था, अब इस पे उसने कहा कि डेविएट नहीं कर सकता है, लाखों रुपए की नोट भी लाखों रुपए भी मुझे पथभ्रष्ट कर नहीं सकते हैं, ट्रू पाथ मीन्स सच्चे मार्ग से मुझे भ्रष्ट पथभ्रष्ट नहीं कर सकते है, मींस डेविएट मींस होता है पथभ्रष्ट करना। आगे देखो, पंडित जी वाज ग्रेटली इरिटेटेड, पंडित जी अत्यधिक रूप से चिढ़ गए थे ऑन हिज माइंडलेस एडमेंस, उसके इस बेवकूफी भरे अग्रिम ऑफ हिज ड्यूटी मींस जो वह ड्यूटी कर रहा था, एंड रिनंसिएशन और त्याग के दैट वाज डिफिकल्ट इवन फॉर गॉड्स, जो ईश्वर के लिए भी शायद मुश्किल हो, मींस वैसा जो यह त्याग कर रहा था कि लाखों रुपए को ठुकरा दे रहा था, तो इस त्याग को देख करके वह थोड़ा सा चिढ़ गए, मिस पंडित जी चिढ़ गए। नाउ बोथ पावर्स, अब दोनों शक्तियां बैटल्ड सुपीरियरिटी, अपनी श्रेष्ठता के लिए लड़ रही थी। दोनों शक्ति कौन, एक तो उसकी ईमानदारी और एक इसका दूसरा पैसा, दोनों शक्तियां अपनी श्रेष्ठता के लिए लड़ रही थी। आगे देखो, मनी अटैक्ड मोरालिटी, मनी मीन्स पैसा अटैक मीन्स आक्रमण कर रही थी, मोरालिटी मीन्स नैतिकता पर, पैसा नैतिकता पर आक्रमण कर रही थी विथ वेहरेंस, वेहरेंस मीन्स होता है पूरे उत्साह के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश जज्बा के साथ पैसा क्या कर रहा था जो है अटैक कर रहा था। आगे देखते हैं, आगे द ऑफर वेंट फ्रॉम 1,000 to 5, और यह ऑफर 1,000 से 5,000 पे जाता है, 5 to 10 5,000 से 10,000 पे जाता है, 10 to 15 10 से 15,000 पे जाता है, एंड 15 to 20,000 और 15,000 से 20,000 पे जाता है। बट मोरेलिटी, लेकिन ईमानदारी स्टूड फॉर्म, पूरी मजबूती से खड़ी हुई थी, लाइक अ एलोन माउंटेन, एक अकेले पर्वत के समान, बिफोर न्यूमरस ट्रूप्स ऑफ आर्मी मींस आर्मी की बहुत सारी फौज जैसे खड़ी हुई होती है एक पर्वत के सामने, उसी तरह से उसकी ईमानदारी भी उसके लाखों रुपए के सामने एकदम डट करके खड़ी हुई थी। ये पैराग्राफ आपका जो है पांचवा पैराग्राफ था। अब हम लोग छठा एफ वाले पैराग्राफ पे चलते हैं, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद कहानी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखते हैं, एलोडीन सेड इन डिसअपॉइंटमेंट, एलोडीन ने निराशा में कहा, आई कांट डेयर ऑफर मोर देन दैट, मैं इससे ज्यादा आपको ऑफर नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं आपको दे नहीं सकता, नाउ इट इज अप टू यू, अब आपको तय करनी है। वंशीधर शाउटेड एट हिज कांस्टेबल, वंशीधर ने अपने कांस्टेबल मींस अपने जो दरोगा पुलिस था उस पे वह शाउटेड चिल्लाया, बदलू सिंह मूव टूवर्ड्स एलोडीन, तो जब वह चिल्लाया भैया गिरफ्तार कर लो, तो बदलू सिंह किसकी तरफ मुड़ता है, एलोडीन की तरफ मुड़ता है, कर्सिंग द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को कर्ज करते हुए, इन हिज हार्ट मीन्स अपने हृदय में, अपने हृदय में इंस्पेक्टर को कर्ज करते हुए बदलू सिंह क्या करता है, वंशीधर की जो है किसकी तरफ मुड़ता है, एलोडीन की तरफ मुड़ता है। कर्ज काहे कर रहा है, तो सोच रहा है कि इतना बड़ा आदमी है, कुछ ले दे करके काम कर लेना चाहिए था, इस ससुराम को कह रहा है गिरफ्तार करने के लिए इसको, तो भैया इसलिए वो कर्ज कर रहा था, मतलब वो बेईमान था। फ्लस्टर्ड मीन्स घबरा करके, पंडित जी मूव्ड 2-3 steps बैक, पंडित जी 2-3 कदम पीछे हटते हैं, घबरा करके पंडित जी 2-3 कदम पीछे हटते हैं। ही सेड इन हिज एक्सट्रीमली मीक वॉयस, वह अपनी एक्सट्रीमली मीन्स पूर्ण, मीक मीन्स नम्र, वॉयस मीन्स आवाज, अपनी पूर्ण नम्र आवाज के साथ बोलते हैं, बाबू साहब फॉर गॉड से, ईश्वर के लिए बी काइंड टू मी, मेरे लिए ईमानदार बन जाओ, बी काइंड मीन्स दयालु, काइंड मीन्स होता है दयालु, मेरे लिए दयालु बन जाओ, आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ टू सेटल द मैटर फॉर 25,000, मैं 25,000 पर इस मामले को सेटल करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। अब आगे देखो, आगे क्या होता है, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, ऑन 30,000 पीस 30,000 40,000, जब यह वह कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, तो वह जो है मिस जो है कौन जो है क्या नाम है उसका, उस जमींदार का नाम क्या है कि एलोबडीन, वह एलोबडीन फिर क्या कहता है, ऑन 30,000 मिस 30,000 ले लो, 40,000 पीस 40,000 ले लो,
मीन्स अगर 25,000 आपको नागवर गुजर रहा है तो आप 30,000 ले लो या फिर 40,000 ले लो। इट इज इम्पॉसिबल, फिर बोलता है यह असंभव है, ये 40,000 हमको नहीं चाहिए, इवन फॉर रूपीज 40 लाख, यहां तक 40,000 की तो बात छोड़ो, 40 लाख रुपए भी दे रहे हो तब हम नहीं लेंगे। बदलू सिंह टेक दिस मैन इनटू कस्टडी, वह कहता है कि बदलू सिंह इस व्यक्ति को कस्टडी में ले लो, कस्टडी मीन्स हिरासत में ले लो। वह अपने कांस्टेबल बदलू सिंह को कहता है कि भैया तुम इसको हिरासत में ले लो। नाउ आई डोंट वांट टू हियर अ वर्ड, मैं अब एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता हूं। वह कहता है कि इसे कस्टडी में लो, मैं एक भी शब्द अब सुनना नहीं चाहता हूं। आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मोरालिटी क्रस्ट, मोरालिटी ने क्रस्ट मीन्स कुचल दिया, वेल्थ मीन्स धन संपत्ति को, अंडर हिज फीट, अपने पैरों के नीचे, मीन्स ईमानदारी ने, नैतिकता ने क्या कुचल दिया, पैसे को, धन संपत्ति को अपने पैरों के तले कुचल दिया। ये कहानी का निष्कर्ष चल रहा है। एलोबडीन सा बर्ली मैन, एलोबडीन ने एक बलवान व्यक्ति को देखा, बर्ली मीन्स बलवान, एक बलवान व्यक्ति को देखा विद हैंडकप्स, हथकड़ी के साथ, हैंडकप मीन्स हथकड़ी, हथकड़ी के साथ एक बलवान व्यक्ति को देखा, कमिंग टू हिम, जो उसकी तरफ आ रहा था। तो जो है एलोबडीन एक बलवान व्यक्ति को देखता है हथकड़ी के साथ जो उसके तरफ आ रहा था। He looked around in despair, वह निराशा में चारों तरफ देखा, and helpless means असहाय होकर के, वह निराशा और असहाय होकर के चारों तरफ देखा, then he fainted, फिर वह मूर्छित हो गया, and fell down और गिर गया, फिर वह मूर्छित हो गया और गिर गया। तो प्यारे यहीं पर ये कहानी कंप्लीट होती है। तो एक लंबी कहानी थी जिसे कंप्लीट करने में आधे घंटे का पूरा समय लग गया। तो प्यारे उम्मीद करते हैं आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब आप समराइजेशन करो कि कहानी में क्या था। एक्चुअल में कहानी में बस इतना था, साल्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर कौन था, मुंशी वंशीधर थे, हाँ, जो वहाँ पर थे, सभी लोग दारू पी करके सो गए थे, उसके ऑफिस के लोग बस यही जाग रहा था। तो जागने के बाद जब गया जो है यमुना के ब्रिज पे, कुछ लोग को देखा गाड़ी वाले जा रहे हैं, जाने के बाद उसने देखा कि काफ़ी गाड़ियाँ जा रही थी, उसमें साल्ट जा रहे थे, उसने पूछा तो वहाँ पर बताए कोई नहीं। फिर उसके बाद एलोबडीन वहाँ पर आता है, जो वहाँ का मुखिया होता है, काफ़ी बड़ा ज़मींदार होता है, पैसे का ऑफर देता है या पैसा बिल्कुल नहीं लेता है, और उसके बाद जो है वह 40 लाख रुपए तक भी कर देता है कि हम 40 लाख रुपए भी नहीं चाहिए हमको, पूरी ईमानदारी से वह अपनी ड्यूटी निभाता है और अंत में उसकी जीत होती है। बाकी वो अंत में गिरफ्तार हो जाता है, उसको हथकड़ी पहना करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुल मिलाकर के मेन कहानी यही 2 मिनट की थी जो हमने आपको बताया, लेकिन आपको आपके एग्जाम में इसी तरह से लंबी कहानी देगा, आपको कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है, छोटे छोटा जो है कहानी नहीं देगा, पूरी कहानी पूरी देगी। एक्चुअल में आप कहानी के एवोल्यूशन करोगे तो बहुत छोटी होगी। तो प्यारे ये हो गया। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं, आपका जो 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, फिर 5वां आपका जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वकैब बेस उसे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच क्वेश्चन रोज, कौन सा प्रश्न उठा इन द माइंड ऑफ द सॉल्ट इंस्पेक्टर, उस नमक का जो दरोगा था उसके अंदर, रिगार्डिंग मीन्स के बारे में, द साउंड ऑफ बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी के आवाज के बारे में, एंड नॉइज ऑफ बोटमैन और जो है उस नाविक की आवाज के बारे में, एट नाइट मीन्स रात्रि में, मीन्स रात्रि में जो है रात्रि में उस इंस्पेक्टर के दिमाग में कौन सा प्रश्न उठा, साउंड ऑफ बुलक कार्ट मीन्स जो गाड़ियों की, घोड़ा गाड़ी की जो आवाज आ रही थी उसके प्रति, और जो बोटमैन थे उसके प्रति रात्रि में, वह उसके मन में कौन से विचार चले थे। तो प्यारे आपको पता है कि उसने यही सोचा कि इतनी रतिया में कौन जा रहा है, इतनी रात में कौन जा रहा है, यही उसका दिमाग में शंका पैदा हुआ, तो शंका पैदा हुआ था ना, तो वही बात है। तो प्यारे ये देखो हमने क्वेश्चन का उत्तर लिखे हुए होंगे, द क्वेश्चन रोज इन द माइंड ऑफ इंस्पेक्टर, जो है उस इंस्पेक्टर के दिमाग में प्रश्न उठा, क्या उठा, व्हाई डू सो मैनी व्हीकल्स क्रॉस द रिवर सो लेट इन नाइट, मीन्स इतने सारे लोग इतनी रात्रि में व्हीकल्स अपने वाहन को क्यों क्रॉस कर रहे हैं, श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, देयर इज समथिंग ब्लैक एट द बॉटम, यहां पर कुछ ना कुछ क्या है, काला है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो श्योरली देयर इज समथिंग, हमने आपको बताए हुए थे समथिंग के बाद हम लोग एक आपको अब एक शब्द बताए हुए थे, वो शब्द देख रहे हैं आपको, फिसी हमने बताए हुए थे, फिसी मीन्स होता है संदेह युक्त, फिर वह सोचता है श्योरली देयर इज समथिंग फिसी,
फिसी भी यूज कर सकते हो, ब्लैक एट दी बॉटम के स्थान पे फिसी शब्द का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि फिसी मींस होता है संदेह उत्पन्न करने वाला, वह सोचता है कि यहां पर कुछ है जो संदेह उत्पन्न करने वाला है। तो यही चीजें उसके दिमाग में आती है, सिंपल सा उसके दिमाग में क्या आया था कि इतनी रतिया में इतना सारा वाहन कहां को जा रहे हैं, बस इसी यही उसके दिमाग में आता, यही क्वेश्चन का उत्तर पूछा हुआ था, हमने लिख दिया, तीन नंबर का आपका काम बन गया भैया। तो एकदम देखो आसान सा हलवा सा है ना, तीन नंबर मिलना, तो इसीलिए कहते हैं ये 15 नंबर वाला पोर्शन हुआ, बहुत इजी सा पोर्शन होता है, बस आपको ध्यान से पैसेजवा का पढ़ना होता है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, When वंशीधर was not impressed, जब वंशीधर जो है प्रभावित नहीं हुआ by sweet talk of पंडित एलोबडीन के मीठे वचन से, what orders were given, कौन जो है आदेश दिए गए to constable बदलू सिंह against him, उसके विपरीत उसके विरुद्ध कांस्टेबल बदलू सिंह को कौन से आदेश दिए गए। तो प्याचे कौन सा आदेश दिया गया था, जब उस वह स्वीट टॉक से उसे प्रभावित नहीं हुआ तो उसने कौन सा आदेश दिया था कि भैया बदलू सिंह को यही कहा था ना कि इसको गिरफ्तार कर लो, इसे अरेस्ट कर लो और जेल में डाल दो, यही कहा हुआ था ना, तो वही आपको लिखने हैं। देखो व्हेन वंशीधर वाज नॉट, उत्तर देखो इसका, व्हेन वंशीधर वाज नॉट इंप्रेस्ड, जब वंशीधर जो है प्रभावित नहीं हुआ बाय द स्वीट टॉक्स मींस मीठे वचन से, ही ऑर्डर्ड कांस्टेबल, उसने कांस्टेबल को आदेश दिया, कांस्टेबल का नाम क्या है, बदलू सिंह को आदेश दिया अरेस्ट मींस उसे गिरफ्तार करने के लिए, एंड टेक हिम टू लॉकअप, और उसे लॉकअप में बंद करने के लिए उसने क्या दिया हुआ था, आदेश दिया हुआ था। सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ, उसने जो है उसे अरेस्ट और लॉकअप में बंद करने का आदेश दिया, हो गया आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। प्यारे ये दूसरा आपका उत्तर सिंपल सा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ए भी आपका तीन नंबर का ए भी कंप्लीट हो गया। अगला तीन नंबर का आपका आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाई डिड बदलू सिंह नॉट अरेस्ट पंडित एलोबडीन, बदलू सिंह ने पंडित एलोबडीन को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, दाऊ यद्यपि ही वाज ऑर्डर्ड, उसे आदेश दिया गया था बाय हिज इंस्पेक्टर टू डू सो, उसके इंस्पेक्टर के द्वारा ऐसा करने के लिए यद्यपि उसे आदेश दिया गया था, फिर भी उसने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, ये आपको उत्तर लिखने हैं। तो काहे को नहीं गिरफ्तार किया हुआ था, क्योंकि वह उसके शान शौकत से डर गया था ना, वह उसके शान शौकत को देख करके उसका हिम्मत नहीं हुई उसके हाथ तक को भी पकड़ने के लिए ना, वही सीधा लाइन दिया हुआ था। तो वही आपको उत्तर यहाँ पर लिखने हैं कि बदलू सिंह कुड नॉट अरेस्ट हिम, बदलू सिंह उसे गिरफ्तार नहीं कर पाया बिकॉज, क्योंकि ऑफ इज ग्रैंडुअर मीन्स उसकी शान शौकत एंड इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव की वजह से, उसकी शान शौकत और प्रभाव की वजह से कि अगर नहीं सका, दाउ ही वाज ऑर्डर टू डू मीन्स वह ऐसा नहीं कर सका, दाउ ही वाज ऑर्डर्ड टू डू सो मीन्स यद्यपि उसे आदेश दिया गया था ऐसा करने के लिए, यद्यपि उसे आदेश दिया गया था ऐसा करने के लिए, लेकिन फिर भी वह उसकी शान शौकत और प्रभाव की वजह से उससे गिरफ्तार नहीं कर पाया। ये प्यारे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो दनादन वीडियो की लाइक की बटनियां दबा दो और शेयर भी कर दो सभी बच्चा लोग में, स्टेटस लग जाना चाहिए, जवन शेयर का जो है ऑप्शन आपके पास हो कूले शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे, दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, तीन नंबर का फिर फिक्स हो गया, अब चौथा क्वेश्चन चलते हैं तीन नंबर का फिर, हु विंस क्या है अल्टीमेटली, कौन अंततः जीता, मोरलिटी आर गॉडेस लक्ष्मी मींस नैतिकता जीता, या फिर गॉडेस लक्ष्मी मींस देवी पैसा, या फिर देवी लक्ष्मी कहो या फिर पैसा कह सकते हो इसे, देवी लक्ष्मी मींस पैसा मीन्स मोरालिटी जीती, नैतिकता जीता या फिर पैसे की विजय हुई, एंड वॉट हैपेंस टू पंडित जी इन द एंड, और अंत में पंडित जी के साथ क्या हुआ। तो प्यारे किसकी विजय हुई थी, मोरालिटी की विजय हुई थी, लास्ट ट्रायल में यूज किया गया था, मोरालिटी की विजय हुई, और पंडित एलोबडीन के साथ क्या हुआ, अंत में उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई कांस्टेबल आता है, एक बर्ली कांस्टेबल आता है, और उसके बाद वह देख करके उन्हें बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, यही अंत में पंडित एलोबडीन के साथ हुआ था। अब देखो इसका उत्तर हमने लिखे हुए, इन द एंड अंत में मोरालिटी विंस ओवर मनी, मोरालिटी नैतिकता जो है पैसे के ऊपर विजय प्राप्त करती है, एंड पंडित जी लुक्ड अराउंड इन डिस्पेयर, और पंडित जी चारों तरफ निराशा में देखते हैं, एंड हेल्पलेस
हेल्पलेसनेस, असहाय होकर के, निराशा और असहाय होकर के चारों तरफ देखते हैं। देन ही फेल डाउन, फिर वे गिर जाते हैं एंड फेंटेड और मूर्छित हो जाते हैं। मीन्स फिर वह गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। बस यही लास्ट में हुआ तो होता है पंडित जी के साथ, पंडित जी एलोबडीन के साथ। पंडित जी को देखो, कुल बहुत चलाक पंडित जी होते हैं, तो देखो इसकी चलाकी बेचारे की नहीं चल पाई, तो बहुत ही दुख की बात है। पंडित जी के साथ बहुत ही बुरा हुआ, हमारी भी सिंपैथी है पंडित जी के साथ। अरे भैया अच्छा आदमी था, ये बताओ ये पंडित जी बढ़िया आदमी नहीं था कि गरीबों को पूरे सत्र खिलाता था? भले थोड़ा बहुत इधर 3-5 कर लेता था, लेकिन बढ़िया आदमी और भी बढ़िया था, ठीक है। तो भैया इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए था, इंस्पेक्टर को छोड़ देना चाहिए था। चोर डकैत का पकड़ना चाहिए का? ऐसा लोग का जो है इंसान, बढ़िया इंसान को नहीं पकड़ना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन, आपका 4 क्वेश्चन हो गया 3-3 नंबर का, मतलब 12 नंबर क्लियर हो गए। अब आपका 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? पिक आउट दी वर्ड्स, मीन्स शब्दों को चुनिए, फ्रॉम दी पैसेज, मीन्स पैसेज में से, दैट मीन दी सेम एज, जिसका वही मतलब है, जिसका वही मतलब है, उन शब्दों को आप चुनिए। तो प्यारे पहला शब्द है सरप्राइज, मीन्स आपको सिनोनिम्स चुनने हैं, आपको सिनोनिम्स चुनने हैं, लेकिन वो सिनोनिम्स का शब्द आपके कहाँ पर होना चाहिए? पैसेज में होना चाहिए, जो पैसेज आपने पढ़ा अनसीन पैसेज, उसमें वो शब्द होना चाहिए। आप देखिए सरप्राइज, सरप्राइज आपका पैरा नंबर 2B वाले में है, बी वाले में सरप्राइज के लिए एक शब्द यूज हुआ था, टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन्स आपका होता है आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक्का हो जाना, वही आपका क्या है? सरप्राइज है। तो ये शब्द यूज हुआ था, आप रीचेक करना, चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगला है स्ट्रांग एक्साइटमेंट, ये आपको पैरा नंबर डी में खोजने हैं। स्ट्रांग एक्साइटमेंट मीन्स होता है अत्यधिक उत्तेजना, अत्यधिक उत्तेजना को क्या कहेंगे? एंथुसियाज्म मीन्स जोश उत्साह, एंथुसियाज्म मीन्स जवन, हम जोश उत्साह से पढ़ा नहीं रहे आपको, यही तो एंथुसियाज्म है, यही तो स्ट्रांग एक्साइटमेंट है। तो भैया यही आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो स्ट्रांग एक्साइटमेंट क्या हो जाएगा? एंथुसियाज्म हो जाएगा। अगला है रेपुटेशन, रेपुटेशन मीन्स प्रसिद्धि, इसे आपको खोजना है पैरा नंबर ई में। ई वाला मीन्स लास्ट वाला, लास्ट वाले से एक पहले, पैराग्राफ नंबर ई में खोजोगे तो आपको वहां पर एक वर्ड मिलेगा फेम, फेमस होता है प्रसिद्धि, रेपुटेशन वही हो गया आपका, रेपुटेशन मीन्स प्रसिद्धि, फेम वही हो गया। तो आपके परिचय यहाँ पर देखो, हमने उत्तर लिखे हुए हैं, टेकन अबैक पहले का हो गया, दूसरे का एंथुसियाज्म हो गया, तीसरे का आपका फेम हो गया। ये तीनों एक एक नंबर के होंगे, एक एक नंबर मीन्स 12-3-15 नंबर का आपका कंप्लीट हुआ। तो भैया इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरह से 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पैसेज 20-25 मिनट में पढ़ने हैं, आपके पास पैसेज पढ़ने के लिए आप इस ढंग से टाइम मैनेज करना, आपको आधे घंटे मिल जाए, आधे घंटे में मान के चलो ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर और पैसेज भी आप पढ़ लोगे। आधे घंटे के लिए से समय निकाल करके चलना, जब आप एग्जाम में बैठो 2.5 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाना चाहिए, और आधे घंटे लास्ट वाले इस पैसेज को आप लोग करोगे, इस ढंग से लेकर चलोगे, तभी ये आपका पैसेज कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो समस्या आपके साथ है। तो भैया हम आपको 5 प्रैक्टिस करा देंगे ना, आपको हर एक ट्रिक बता देंगे कैसा कैसा करना है, 5 कितना प्रैक्टिस करा देंगे, और आप कुछ और प्रैक्टिस कर लेना, करने की कुछ और प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो 5 ही अगर आप किए हुए होगे ना, तब वो आप एग्जामों में कर लोगे। 5 बहुत है जो हम कराएंगे, 5 ना बहुत है, 5 ठीक है, इतने पढ़ लेना आपका काम हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में आप आसानी से कर ले जाओगे। आपको सारे बता देंगे कहां से कहां से कैसे बन रहे 5 में। प्यार ची ए हो गई आज की क्लास हो गई, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो प्यार ची इतनी मेहनत करते हैं, लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बस 2 ही देते हैं, पूरी ईमानदारी से आपको अपने पढ़ाई करना है, माँ बाप के सपने को सच करनी है, उसके साथ साथ हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है। बार बार कहते हैं खास करके गरीब बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों की इसकी सख्त आवश्यकता है, अपने दोस्त यार में जो भी ऐसे बच्चे हैं, सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे। कुछ ऐसे भी बच्चे हमने देखे हुए हैं जिनके पास किताब तक नहीं है, उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना, ऐसी आपसे उम्मीद रखते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया,
उसी तरह से यूट्यूब पर सर्च करेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के समाप्त करते हैं, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो प्यारे बच्चे इरादे फौलादी बनाओ, अगर आपके इरादे फौलादी हो गए तो आपके सपनों में जान आ जाएगी, जो आपका सपना सपना है तो साकार सपना हो जाएगा। जब आपके इरादे मजबूत हो गए, चट्टान की तरह आप दृढ़ बने रहो कि आज दिन में इतने पढ़ने हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने हैं, जो करना हो दृढ़ प्रतिज्ञा दृढ़ वचन कर लिए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल अगले पैसेज के साथ, मिलते हैं दूसरे अनसीन पैसेज के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।